जब भी हम घर आते हैं तो हम सबके लिए कुछ ऐसी कंफर्टिंग प्लेसेस होती है जहाँ हम जाना हमेशा प्रेफर करते हैं। मेरे लिए वो सूदिंग और कंफर्टिंग प्लेस हमेशा काशी रहती है। सो इस बार भी मैं जा रही थी एंड इट्स बीन लॉन्ग टाइम मैंने कोई ट्रैवल वीडियो डाला नहीं एंड ऑल ऑफ यू आर आस्किंग फॉर अ ट्रैवल वीडियो। और कोई तो मौका नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा है। सो आई थॉट काशी चली रही हूँ तो क्यों ना आपको भी घाट दिखाऊँ, मंदिर दिखाऊँ और काशी की और छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं अपने तरीके से आपको दिखाऊँ। सो लेट्स गो टू काशी टुडे। पापा के रेलवे में होने का ये फायदा है, मुझे किस्सा याद है, हमें ना कभी कभी ऐसा होता है कि 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी कहीं जाना होता है ना, और हमें लगता है कि एक स्टेशन क्रॉस करके जाना है तो हम बाइक की जगह प्रेफर करते हैं ट्रेन से चले जाए। द सेम हैपन मलावाद से काशी आए एंड दैट वाज ट्रेन आफ्टर सो लॉन्ग। आई एम एंजॉयिंग। दर्शन बहुत अच्छा था यार, आरती भी देखकर बहुत अच्छा लगा और दशाश्वमेध घाट पर भी नहीं, भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी बट अदरवाइज बहुत अच्छा था। वील गो टू सारनाथ एंड रामनगर फोर्ट है वो भी हम घूमेंगे। तो स्टे विद अस एंड एंजॉय काशी। ये अपना BHU कैंपस के अंदर जो विश्वनाथ टेम्पल है वो है, तो आप देख सकते हैं। करिएगा कि आप 12 बजे से पहले संकट मोचन मंदिर में चले जाएगा या तो फिर 5 बजे के बाद खुलता है। फिर थोड़ा सा ही आगे दुर्गा कुंड मंदिर है, हम यहाँ पर आए हैं इस समय। सो लेट्स सी दैट। काशी अपने दूध, दही, मलाई और लस्सी के लिए फेमस है, तो यहाँ आए, वैसे मैं कोई बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ दूध, दही और मलाई लस्सी वक्त की, पर मैं यहाँ आई हूँ और लस्सी ना ट्राई करूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो लेट मी टेस्ट एंड टेल यू हाउ इट इज। बहुत हाई, यू शुड कम एंड ट्राई इट।
अंदर क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बार आई हूँ आपके साथ, मैं भी देखूंगी कि अंदर म्यूजियम में क्या है। तो सारनाथ का जो डिस्टेंस है ना वो अप्रॉक्स 8-9 किलोमीटर्स है फ्रॉम काशी, सो इफ़ यू आर कमिंग टू काशी यू कैन डेफिनेटली कम टू सारनाथ एंड एक्सप्लोर हियर। कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस हैं यहाँ पर जो डेफिनेटली जाने लायक है, उनमें से एक सारनाथ भी है। सो हियर वी आर एट द म्यूजियम, लेट सी हाउ इट इज एंड व्हाट इज देयर। सो हियर वी आर एट द आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, दिस इज द म्यूजियम फ्रॉम आउटसाइड, लेट्स गो एंड सी इनसाइड व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। सारनाथ टेम्पल के अंदर आ गए, द टेम्पल इज दैट साइड और आगे भी है, बट दिस इज द प्लेस जहाँ पर बुद्धा ने ही टॉट इज फर्स्ट सर्मन आफ्टर द एनलाइटमेंट विच ही गॉट एट बोध गया। दिस इज द होल एरिया, आगे भी क्या है, आगे कुछ और टेम्पल्स भी हैं, वी सी ऑल ऑफ इट। सो यस जॉइन अस। वंस यू एंटर इन टू सारनाथ तो दो तीन टेम्पल है, जैन टेम्पल है, बुद्धा टेम्पल है, विच यू शुड कम एंड विजिट। सो आप सारनाथ से स्ट्रेट आओगे ना तो वॉक करके ही आना, इट्स जस्ट 500 मीटर्स एंड देन हियर यू कैन सी अ बुद्धा टेम्पल। एक बुद्धा का स्टैचू है यहाँ पे, गोल्डन कलर्ड स्टैचू विच वी कैन सी। This is the tree under which Buddha used to give his preachings to all his sermons. Just in front of the tree, yahan par people are putting their wishes. So some Amil, he should get well soon, and a lot of wishes which people have put over here. गंगा का किनारा, चांद की रोशनी और ये नींबू वाली चाय, इससे बेटर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर टूर, आई होप यू एंजॉयड द विजिट टू काशी एज मच एज आई डिड। Hope to see you next time with a new exciting place again. See you. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe.